दोस्तों, आपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो सुना ही होगा। वो सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अनेक प्रदेशों में स्थित हैं। पुराणों में इन सभी ज्योतिर्लिंगों का वर्णन विस्तार से मिलता है। तो चलिए देखते हैं अपने इस एपिसोड में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा। दोस्तों, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो कि गुजरात राज्य के एक क्षेत्र सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। दक्ष कन्याएं चंद्रमा को अपने पति स्वरूप में पाकर बड़ी ही खुश थी, परंतु चंद्रमा कुल 27 बहनों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से किया करते थे। इस बात से बाकी सभी स्त्रियां दुखी रहने लगी और अपने पिता प्रजापति दक्ष की शरण में चली गई। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उन्हें शांतिपूर्वक कहा, हे चंद्र, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? अब तक जो व्यवहार किया है वो ठीक नहीं है। अब आगे फिर ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी और रोहिणी के प्रति आसक्ति के कारण उन्होंने अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। दोबारा यही समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की, परंतु बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी। तब उन्होंने उसे श्राप दे दिया, मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। तब सहायता के लिए सभी देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता है। परंतु एक उत्तम उपाय है, अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभा क्षेत्र में चले जाएं और वहां पर विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें, और जब इनकी आराधना और तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभा क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर वे महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थित चित्त से वहां पर निरंतर खड़े रहे थे। तब उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा से उत्तम वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए कहा, देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के क्षय रोग को दूर कर दें। तब भगवान शिव ने कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में कम हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। तब उन्होंने भक्तिभावपूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, वहीं पर सभी देवताओं ने सोमनाथ कुंड की स्थापना की, जिसमें भगवान शिव और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्री सेलम नामक स्थान पर स्थित है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश जी विवाह के लिए
आपस में कलह करने लगे और इसके निवारण हेतु दोनों अपने माता पिता के पास पहुँचे। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने उनसे कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन चूहा भला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल थे किंतु वे बुद्धि के सागर थे। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपने माता पिता से एक आसन पर बैठने की विनती की। फिर गणेश जी ने उनकी 7 बार परिक्रमा की। इस प्रकार गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो ये दृश्य देखकर बड़े ही दुखी हुए और फिर वो अपने माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। भगवान शिव और पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवऋषि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। तब देवऋषि नारद ने बहुत प्रकार से कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया किंतु वे वापस नहीं आए। उसके कुछ समय बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र मोह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 12 कोस अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुआ। सिर्फ यही एकमात्र स्थान है जहां माता सती के शरीर के अवशेष गिरे थे और भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे, इसलिए ये स्थान एक ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी। महाकाल ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में सूत जी महाराज द्वारा किया गया है। दोस्तों, कथा के अनुसार अवंती नगरी, जिसे हम सभी आज उज्जैन नगरी के नाम से भी जानते हैं, वहां पर वेद प्रिय नामक ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा किया करते थे। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे जिनके नाम थे देवप्रिय, प्रिय मेधा, संस्कृत और सुवृत। वे सभी तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। दोस्तों, उन्हीं दिनों में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक असुर भगवान ब्रह्मा की तपस्या किया करता था। कुछ समय बाद वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अजयता का वरदान प्राप्त कर लेता है। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती नगरी के उन पवित्र और धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रवों से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे 4 ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन करने लगे। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न कुल चारों भाइयों के पास पहुंच गया और उन चारों को पूजा करते देखते ही ललकारते हुए बोला कि इन्हें बांध कर मार डालो। वेद प्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया,
मूर्तियां हुई, उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक खड्डा प्रकट हो गया और तत्काल उस खड्डे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। वे दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए और उन्होंने दैत्यों से कहा कि अरे दुष्टो, तुम जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल रूप प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपनी हुंकार मात्र से ही उस असुर को भस्म कर डाला। ये देख दूषण की सेना वहां से स्वयं भाग खड़ी हुई। इस प्रकार भगवान शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध किया। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग मुझसे वर मांगो। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान शिव, आप हमें मोक्ष प्रदान करें और सभी के कल्याण तथा रक्षा करने के लिए हमेशा के लिए यही विराजित हो जाइए। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को मोक्ष प्रदान किया और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस खड्डे में स्थित हो गए और उस खड्डे के चारों ओर की लगभग एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान पर स्थित है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूपों ओमकारेश्वर और अमलेश्वर की पूजा की जाती है। ये ज्योतिर्लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुआ तथा इसकी स्थापना कैसे हुई, चलिए जानते हैं अपने इस एपिसोड में। दोस्तों, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए। विंध्य ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल के अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। ये देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई थी, आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर का भाग देवताओं के लोक तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ व दुखी होकर वो मन ही मन शोक करने लगा। फिर उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहां पर साक्षात ओमकार विद्यमान है, उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उसका पूजन किया। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और उससे बोले कि विंध्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं अपने भक्तों को उनका अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। तब विंध्य ने कहा, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वो अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें, जिससे मैं आसानी से हर प्रकार का कार्य पूर्ण कर सकूं। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें ऐसा उत्तम वर प्रदान करता हूँ, जिससे तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय कुछ देवगण तथा ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहां स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई।
लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वाहन स्थित एक ही भ्रूण का लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। एक भाग को ओंकार नाम से जाना जाता है और दूसरे भाग के पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वो परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्त जनों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले ओमकारेश्वर और परमेश्वर नाम के शिव के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दो कथाएं प्रचलित हैं। एक जिसका प्रमाण महाभारत युद्ध के अंत में मिलता है, जब पांडु पुत्र अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपना राज्य भार त्याग कर हिमालय की यात्रा करने निकले थे। वो कथा हम अपने किसी और एपिसोड में देखेंगे। दूसरी कथा शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलती है। हम अपने इस एपिसोड में शिव महापुराण में उल्लेखित इस कथा को सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पांचवें ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी मूर्ति के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया था। दोस्तों, नर और नारायण ने ही द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की। इसकी पुष्टि खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में की है। नर और नारायण बद्री वन में अपनी बनाई पार्थिव शिवलिंग के सामने घोर तप किया करते थे। भगवान शिव जी उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए उनके बनाए पार्थिव लिंग में प्रतिदिन आया करते थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तब वे नर व नारायण के सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं, तो लोक कल्याण के लिए आप स्वयं यहाँ लिंग रूप में निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाएं। उन दोनों भाइयों के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी शिव हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। नर और नारायण रूप में दोनों भाइयों ने बद्री वन में घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। आज उसी बद्री वन में बद्रीनाथ नामक मंदिर भी स्थित है और वहीं पर नर और नारायण नाम के दो पर्वत भी हैं। केदार तीर्थ में स्थित होने के कारण भगवान शिव केदारेश्वर अथवा केदारनाथ कहलाए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं परंतु यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी मोक्ष मिल जाता है। भारत देश में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग नाम से दो मंदिर प्रसिद्ध हैं। एक मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और दूसरा असम के कामरूप जिले में स्थित है। असम प्राचीन काल में कामरूप के नाम से ही जाना जाता था। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में उल्लेखित भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग को कामरूप देश में स्थित माना गया है। चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। पूर्व काल में भीम नाम का एक पराक्रमी राक्षस हुआ करता था। वह अपनी माता कर्कटी के साथ अकेला रहा करता था। बड़े होने पर एक दिन उसने अपनी माँ से यह पूछ लिया कि उसके पिता कौन है और कहाँ है। इस पर माँ कर्कटी ने बताया कि तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे और राम ने तेरे पिता का वध कर दिया था, और उनसे पूर्व मेरे पति विराट थे जिनका वध भी श्री राम ने ही किया था। उनकी मृत्यु के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन उन्होंने अगस्त मुनि के शिष्यों को आहार बनाना चाहा, तो उसे विष्णु भक्त शिष्य ने मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। इसके बाद मैं एकांत में इस पर्वत पर रहने लगी। अपने पिता और सभी परिवारजन की मृत्यु का कारण पता चलने पर उसने विष्णु और देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया।
वरदान मिलने के बाद उसने सबसे पहले इंद्र सहित सभी देवताओं को युद्ध में परास्त किया और भगवान विष्णु को भी युद्ध में हरा दिया। फिर उसने पृथ्वी को जीतना आरंभ किया और सबसे पहले उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के राज्य पर हमला किया और उसे हरा कर कारागार में बंदी बना दिया। महाराज सुदक्षिण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनका भजन पूजन करना शुरू कर दिया। जब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने अपने पिनाका धनुष से असुर भीम की तलवार के दो टुकड़े कर दिए और फिर भगवान शिव ने अपनी ओंकार मात्र से ही उसे भस्म कर डाला। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की काशी में स्थित है। इसका निर्माण यहां किस प्रकार हुआ था, चलिए जानते हैं अपने इस एपिसोड में। किसी समय की बात है, निर्विकार तथा चैतन्य परम ब्रह्म ने निर्गुण से सगुण शिव रूप धारण किया। फिर ये शिव ही पुरुष और स्त्री रूप में विभाजित हो गए। पुरुष तत्व का नाम शिव हुआ और स्त्री तत्व का नाम शक्ति हुआ। उन शिव और शक्ति ने अदृश्य रहकर प्रकृति और पुरुष की रचना की, परंतु पुरुष तत्व जो कि श्रीहरि विष्णु ही हैं और प्रकृति जो उनकी पत्नी है, अपने आप को बिना माता पिता के देखकर व्याकुल हो उठे। कुछ समय बाद निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। परंतु प्रकृति और पुरुष को तपस्या के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत पंचकोश लंबे चौड़े पंचकोशी नामक सुंदर नगर का निर्माण किया। वह नगर आकाश में स्थित हो गया। फिर श्री हरि ने कई वर्षों तक सृष्टि की कामना से भगवान शिव का ध्यान किया। इतने परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। यह देख पुरुष तत्व श्री हरि आश्चर्यचकित रह गए और इस अद्भुत दृश्य को देखकर जब विष्णु जी ने आश्चर्य से सर हिलाया तो उनके कान से एक मणि वहां गिर गई, जिससे उस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। जब इस श्वेत जल में पंचकोशी नगरी डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी के संग वहीं शयनरत रहे। यहीं उनकी नाभि से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मदेव ने भगवान शिव की आज्ञा से अद्भुत सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश में बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यहां स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर सारे जगत में प्रलय हो जाती है, तब भी काशी नगरी का नाश नहीं होता। प्रलय काल में शिवजी उसे अपने त्रिशूल में धारण कर लेते हैं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान में ब्रह्मागिरी पर्वत के पास स्थित है। एक बार अनेक वर्षों तक यहां वर्षा नहीं हुई थी, तब सभी मनुष्य और प्राणी यहां से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम जी ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया था। वरुण देव जी ने महर्षि गौतम जी को एक खड्डा खोदने के लिए कहा। वरुण देव ने इस खड्डे को दिव्य जल से भर दिया। इस दिव्य जल के कारण वहां हरियाली फिर से आ गई और सभी मनुष्य तथा पशु पक्षी भी वापस अपने स्थान पर पुनः आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम जी की बड़ी प्रशंसा हुई। ऐसे ही एक दिन उस खड्डे में गौतम ऋषि के शिष्य जल लेने के लिए गए तथा अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां आ गई और वे पहले जल लेने का हट करने लगी। गुरु माता अहल्या ने सबको समझाया कि ये नन्हे बालक पहले से यहां उपस्थित हैं, तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। परंतु इस बात से नाराज अन्य मुनि पत्नियों को लगा कि माँ अहल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है। इस दिव्य जल की व्यवस्था इनके पति महर्षि गौतम ने जो कराई है, यही बात बाकी मुनि पत्नियों ने अपने पतियों को बढ़ा चढ़ा कर बताई। इस बात से नाराज कुछ ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए भगवान से सहायता करने के लिए कहा।
इस पर भगवान श्री गणेश जी ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष रखना उचित व्यवहार नहीं है जिसने अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था करा के सभी को जीवन दान दिया हो। परंतु मुनियों के हट करने से गणेश भगवान जी ने उनकी बात मान ली, साथ ही साथ यह चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके कुछ दिनों के बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि गौतम जी के धान के खेत में पहुंचे। यह देख गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगे। उस धान के तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय तुरंत धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां पास ही छिपे थे। गाय के मरते ही सब बाहर निकल आए और उन पर गौ हत्या का पाप मढ़कर उन्हें धिक्कारने लगे। सभी कहने लगे कि जब तक तुम यहां रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृगण हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे, और गौ हत्यारे तो परिवार सहित यहां से दूर चला जा। गौतम ऋषि त्र्यंबक से दूर एक आश्रम बनाकर रहने लगे, परंतु यहां भी ब्राह्मण उन्हें आकर परेशान करने लगे तथा उन्हें यज्ञ आदि कर्म करने से भी रोकने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर लौटकर यहां 1 महीने तक व्रत करते हो और उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो तो उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहां गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो और फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों ने जैसा कहा गौतम ऋषि ने वैसा ही किया। अहिल्या ने भी अपने पति का इस तप में साथ दिया। ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वर मांगा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि मुनि तुम सदा से ही निष्पाप हो, इन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है, तुम गंगा की तरह पवित्र हो, उन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा। गौतम ऋषि विस्मित होकर बोले, हे महादेव, अगर इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन भी नहीं होते। महादेव, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए। शिवजी ने गंगा देवी को धरती पर पुनः अवतरित होने के लिए कहा। माँ गंगा ने कहा कि मैं तभी यहाँ वास करूंगी जब महादेव लिंग स्वरूप में अपने परिवार के साथ यहाँ वास करेंगे तथा सभी देवतागण भी यहाँ वास करेंगे। इस पर महादेव ने कहा तथास्तु, और देवताओं ने कहा कि जब जब बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ आएंगे। इस प्रकार वहां स्थित माँ गंगा गोदावरी रूप में विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कथा का वर्णन हमें शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में मिलता है, परंतु इस ज्योतिर्लिंग का स्थान बड़ा ही विवादित है। पहला देवगढ़ झारखंड, दूसरा परली महाराष्ट्र और तीसरा बैजनाथ हिमाचल प्रदेश को बताया गया है। दोस्तों, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोत के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के परली में स्थित है और शिव पुराण के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग चिताभूमि के पास स्थित बताई गई है। स्थान विवाद है परंतु कथा एक समान है, तो चलिए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा। दोस्तों, राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना कर रहा था, परंतु कई वर्षों तक तप करने के बाद भी जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए तब रावण ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूसरा तप आरंभ किया, परंतु इस तप से भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तब दशानंद रावण ने एक एक करके अपने मस्तक की आहूति देनी शुरू कर दी। ऐसा करते हुए उसने अपने कुल 9 सर काट डाले, पर जब रावण अपना 10वां सर यानी आखिरी सिर काटने जा रहा था तब महादेव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तक को पूर्ववत निरोग करके उसे उत्तम वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान से सबसे बलशाली होने पर वर मांगा। भक्त वात्सल्य भगवान शिव ने उसे उसकी इच्छा अनुसार बल प्रदान किया। रावण नतमस्तक होकर कहने लगा कि आप मेरे साथ लंका चलिए। रावण के ऐसा कहने पर भगवान बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, दशानन, तुम मेरे इस लिंग को लंका ले जाओ, परंतु याद रखना अगर तुमने इसे कहीं भी भूमि पर रखा तो यह लिंग सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उस शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा, परंतु भगवान शिव की माया से रावण को मूत्रोसर की इच्छा हुई। अचानक उसी समय एक ग्वाला वहां से गुजर रहा था कि तभी रावण ने उससे प्रार्थना पूर्वक शिवलिंग को पकड़ने के लिए कहा। एक मौत बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत थक चुका था
और फिर थककर उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और वो शिवलिंग सदा के लिए वहीं स्थित हो गई। रावण भी भगवान की लीला को समझ गया और फिर भगवान की स्तुति करने लगा। इंद्र आदि देवता भी वहां भगवान का साक्षात दर्शन करने के लिए आ गए। सभी ने विधिवत शिवलिंग का पूजन किया और उसका नाम बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग रखा। यह कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में ही वर्णित है। यह 10वां मुख्य ज्योतिर्लिंग है। चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। कथा इस प्रकार है कि दारुका नामक राक्षसी अपने पति दारुक के साथ एक वन में रहा करती थी। दारुका माँ पार्वती के दिए हुए वरदान के कारण इस वन को कहीं भी अपने साथ ले जा सकती थी। उसने अपने पति के साथ मिलकर पूरे जंगल में उत्पात मचा रखा था, जिससे तंग आकर लोगों ने महर्षि औव्र की शरण में जाकर उन्हें अपना दुख सुनाया। महर्षि औव्र ने और शरणागतियों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दिया कि यदि यह राक्षस पृथ्वी लोक पर हिंसा करेंगे या यज्ञ का विध्वंस करेंगे तो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। जब यह खबर देवलोक में बैठे देवताओं को मिली तो उन्होंने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। सभी राक्षस इस असमंजस में पड़ गए कि अगर वे पृथ्वी पर युद्ध करेंगे तो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और अगर नहीं करेंगे तो युद्ध में परास्त हो जाएंगे। इस स्थिति में दारुका उस वन को उड़ाकर समुद्र के बीच ले गई। राक्षस लोग समुद्र के बीच निर्भय रूप से रहने लगे। एक बार मनुष्यों से भरी बहुत सी नावें उधर आ गई और राक्षसों ने सभी मनुष्यों को बंदी बना लिया। उसमें सुप्रिया नामक एक शिव भक्त भी था। उसने कारागार में रहकर भी भगवान शिव का पूजन नहीं छोड़ा, साथ ही अपने कई साथियों को भी शिव पूजन के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार सुप्रिय और उसके साथी प्रतिदिन शिव पूजा करने लगे। जब दारुक राक्षस को इस कार्य का पता चला तो उसने सुप्रिय को धमकाया और उसे मारने के लिए दौड़ा। सुप्रिय ने भगवान शिव की प्रार्थना की। अपने भक्त की करुणा पुकार सुनकर भोलेनाथ एक ही क्षण में प्रकट हुए और सभी प्रधान राक्षसों को नष्ट कर दिया। यह देख दारुक अपनी पत्नी के पास भागा। भगवान शिव ने यह वरदान भी दिया कि आज से इस वन में चारों वर्ण अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, तमोगुणी राक्षसों का इसमें कोई स्थान नहीं है। भगवान शिव का यह वचन सुनकर दारुका अत्यंत भयभीत हो गई। शिवजी के क्रोध से बचने के लिए दारुका ने माँ पार्वती की स्तुति की और उनसे यह वर मांगा कि माँ मेरे वंश की रक्षा कीजिए। माँ पार्वती ने उसे आश्वासन देते हुए भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, आपका वचन सत्य है, परंतु यह राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को जन्म देंगी वे सब इस वन में रह सकते हैं, ऐसी मेरी इच्छा है। तब भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु, मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में लिंग रूप में रहूंगा। इस प्रकार उस ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। दोस्तों, यह थी भगवान नागेश्वर के प्रादुर्भाव की कथा, परंतु इस ज्योतिर्लिंग का स्थान थोड़ा विवादित है। शिव पुराण और द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोतों के अनुसार यह दारुक वन में स्थापित है, परंतु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से तीन मंदिर विख्यात हैं। पहला गुजरात के द्वारका में स्थित है, दूसरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में और तीसरा महाराष्ट्र के हिंगोली में। यह कथा उस समय की है जब राक्षसराज रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने राज्य लंका ले गया था और माता की खोज में निकले भगवान राम अपनी वानर सेना सहित दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे थे। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक स्थान पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। चलिए देखते हैं कि भगवान राम ने ऐसा क्यों किया था। दोस्तों, जब बाबा भोलेनाथ के भक्त भगवान श्री राम अपनी सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। इस प्रकार उनके सामने समुद्र को पार करने की विकट समस्या उत्पन्न हो गई तो वह विचार करने लगे कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए और कैसे युद्ध में रावण को हराया जाए। भगवान राम जो प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ की पूजा करते थे, इस समस्या के कारणवश वह पूजा करना भूल गए। तभी उन्हें प्यास लगने लगी और उन्होंने जल मांगा। वानर मीठा जल ले आए। भगवान राम जल ग्रहण करने जा ही रहे थे कि तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने अपने आराध्य की पूजा नहीं की है। फिर स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों से पार्थिव लिंग बनाया और शिवजी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे महेश्वर, आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत ही कठिन है। रावण भी आपका भक्त है, वह अजय है। आपसे मिले वरदान के कारण वह सदा गर्व से भरा रहता है। आप अपने दास पर कृपा करें। भगवान शिव श्री राम के सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान राम ने कहा कि आप मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए प्रभु और सदा के लिए यहाँ लोक कल्याण के लिए वास करें। भगवान शिव ने उन्हें उत्तम वर दिया और वहां सदा के लिए रामेश्वर के रूप में स्थित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार घृष्णेश्वर 12वां यानी अंतिम ज्योतिर्लिंग है।
इस कथा का वर्णन हमें कोटिरुद्र संहिता में ही मिलता है और वह कुछ इस प्रकार है कि दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के निकट भारद्वाज गोत्र में जन्मे सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी प्रिय पत्नी सुदेहा के साथ वहां रहा करते थे। वह बड़े ही धार्मिक थे। वो प्रतिदिन अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा किया करते थे। वैसे तो दोनों बड़े ही सुखी थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें अपने पड़ोसियों के व्यंग्य वाक्य सुनने पड़ते थे। इसलिए एक दिन अत्यंत दुखी होकर सुदेहा अपने पति से आकर बोली, हे नाथ, सृष्टि का यही नियम है कि जो भी वंश इस पृथ्वी पर चल रहा है उसे आगे बढ़ाने का दायित्व तो संतान के हाथ में होता है, और मैं तो संतान के सुख से ही वंचित हूं। कृपा करके अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए, अतः आप मेरी बहन खुशमा से विवाह कर लीजिए। सुधर्मा ने इनकार करते हुए कहा कि इस विवाह से सबसे ज्यादा दुख खुद तुम्हें ही होगा, परंतु अपने हट से सुदेहा ने खुशमा का विवाह सुधर्मा से करा दिया। खुशमा अपनी बड़ी बहन के कहने पर प्रतिदिन 101 पार्थिव लिंग बनाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करती थी और फिर उनका विसर्जन निकट के तालाब में कर दिया करती थी। शिव की कृपा से खुशमा को एक गुणवान पुत्र हुआ। खुशमा का सम्मान बढ़ने लगा और सुदेहा के मन में अपनी बहन के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। समय आने पर उस पुत्र का विवाह हो गया। पुत्र वधू के घर आ जाने से सुदेहा और ईर्ष्या करने लगी। एक रात सुदेहा ने सोते हुए पुत्र को चाकू से मार डाला और उसके अंग को काट के उसी तालाब में डाल दिया, जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन किया करती थी। सुबह उठकर सुधर्मा और घुष्मा पूजा में लग गए और पुत्र वधू ने जब पति के बिस्तर पर खून देखा तो वह रोने लगी और उसने सबको यह बात बताई, परंतु नित्य कर्मों में विलीन पति पत्नी विचलित नहीं हुए, जबकि सुदेहा दिखावे के लिए जोर जोर से विलाप करने लगी। पूजन के पश्चात घुष्मा पार्थिव लिंगों का विसर्जन करने के लिए उसी तालाब पर गई, तब उसने अपने पुत्र को वहां खड़ा देखा। वह जानती थी कि यह सब भगवान की ही लीला है। उसे ना ही हर्ष हुआ न दुख। फिर एक ज्योति उसके सामने प्रकट हुई, उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा को सुदेहा का अपराध बताया और उसे मृत्यु दंड देने के लिए वहां से प्रस्थान करने लगे, परंतु घुष्मा ने उन्हें अपनी बहन को क्षमा करने के लिए कहा। इस पर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। तब घुष्मा ने कहा, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो सदा के लिए यहाँ वास करें और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। इस प्रकार भगवान शिव कृष्णेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और क्या आप इस रहस्य के बारे में पहले से जानते थे, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी प्रकार की रहस्यमयी और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले दर्शक हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।